अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, लर्निंग विद स्माइल के साथ मैं हूं उमर दानशीर और आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप किस तरह से किसी भी किस्म के टेक्स्ट के अंदर कोई भी तस्वीर वगैरह लगा सकते हैं। यानी कि आप चाहते हैं कि कोई आप ऐसा टेक्स्ट लिखें जिसमें आप अपनी पिक्चर लगाएं या किसी और की पिक्चर लगाएं, तो ये बहुत ही आसान मेथड है। अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक मुकम्मल देखें, तभी आप इससे मुकम्मल फायदा हासिल कर सकेंगे। तो उसके बाद आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिसका नेम है लर्निंग विद स्माइल, तो प्लीज़ उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का तरीकाकार ये है कि आपने सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है और उसके साथ जो बेल का बटन होगा उस पर क्लिक करके वहाँ से नोटिफिकेशन ऑन कर लेनी है। उससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो वगैरह अपलोड करूँगा तो आपको फ़ौरन ही नोटिफिकेशन की सूरत में उसके बारे में पता चल जाएगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आप अडोब फोटोशॉप को ओपन कर लें। मसलन मैंने ये फोटोशॉप CS6 ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ से जाकर न्यू पर जाता हूँ और यहाँ पर जाकर इसको ओपन कर देता हूँ। अब मैं इस पर कोई टेक्स्ट वगैरह लिखता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मसलन मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ M अदनान, मैंने यहाँ पर लिख दिया M अदनान बशीर। आप जो चाहें लिख सकते हैं। उसके बाद आपने वो पिक्चर ओपन करनी है जिसको आप चाहते हैं कि वो टेक्स्ट के अंदर नज़र आए। मैं अब यहाँ से ओपन पर जाऊँगा और कोई भी पिक्चर जाकर उठा लेता हूँ। मसलन मैं डाउनलोड्स वगैरह पर देखता हूँ। यहाँ पर बहुत सी पिक्चर्स वगैरह हैं। मसलन मैं यहाँ से इस पिक्चर को ओपन कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट के अंदर नज़र आए, तो उसके लिए पहले इस पिक्चर को हम ओपन करेंगे। उसके बाद एडिट पर जाएंगे। एडिट पर जाने के बाद यहाँ पर आपको ये नज़र आएगा डिफाइन पैटर्न। आपने यहाँ पर डिफाइन पैटर्न पर क्लिक करना होगा और उसके बाद आप यहाँ पर कोई भी नाम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ स्माइल और इसको यहाँ से ओके कर दूँगा। अब हम जाएंगे दोबारा अपने टेक्स्ट पर और यहाँ पर ये देखें उसका लेयर है, आपने उस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करें या फिर राइट क्लिक करें और यहाँ से ये जो ब्लेंडिंग का ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करें, तो फिर भी हमारे पास उस तरह का एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब आपने यहाँ पर ये पैटर्न ओवरले पर क्लिक करना है। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर पैटर्न लिखा हुआ है ये, उसके साथ ये जो नीचे वाला बटन है इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने वो पिक्चर चूज़ कर लेनी है। मसलन ये थी, पहले मैंने ये बनाई थी, ये अपलोड की हैं, ये आप जो भी पिक्चर यहाँ पर फिल करेंगे पैटर्न वो यहाँ पर आ जाएगी। अब हम यहाँ से साइड पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से उसको स्केल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मसलन अगर आप ज़्यादा करना चाहते हो ज़्यादा कर सकते हैं, कम करना चाहते हो कम कर सकते हैं। मसलन मैं यहाँ पर इतना कर देता हूँ। उसके बाद अगर आप उस पर कोई स्ट्रोक देना चाहें तो दे सकते हैं। मसलन ये देखिए स्ट्रोक का बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो स्ट्रोक आ जाएगा। इस तरह से मैं आपको कोई और पिक्चर वगैरह लगा कर दिखाता हूँ। मसलन ये देखिए ये दोबारा वाली पिक्चर है। मैं यहाँ पर कुछ और टेक्स्ट लिखता हूँ। मसलन मैं टाइप कर देता हूँ नेम और इसको मैं कंट्रोल की प्रेस कर इसको बड़ा कर लेता हूँ। ये देखिए नेम आ गया। आपने इसी तरह से पहले इस पिक्चर पर जाना है, फिर आप जाएंगे एडिट पर डिफाइन पैटर्न और यहाँ पर इसका जो भी नेम लिखना चाहूँ लिख सकते हैं, रोक कर दें। उसके बाद इस पर डबल क्लिक करेंगे, सॉरी इस पर नहीं, इस पर, इस लेयर पर, और यहाँ से पैटर्न ओवर ले पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से आकर उसको चूज़ कर लेंगे। मसलन मैंने ये चूज़ कर लिया। अब मैं इसके स्केल को कम या ज़्यादा कर देता हूँ, जो ऐसे भी आपने करना चाहेंगे। देखें इतना बढ़ाते जाएंगे इतना ज़्यादा होता जाएगा। ये देखें अपने हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर लें। मसलन मैंने इतने कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ स्ट्रोक पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें
पिक्चर के अंदर में आ रहा है। उसके बाद अब हम यहाँ पर क्लिक करके स्ट्रोक को ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। अगर स्ट्रोक को बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं। ये एक सिंपल प्रोसेस था, उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों का फेसबुक के ज़रिए, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह जो भी आप यूज़ करते हैं वहाँ पर आप शेयर करके अपने दोस्तों को भी इस मेथड के बारे में बताएं, ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और स्टाइलिश टाइप का टेक्स्ट लिख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।